हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुमार और आपका स्वागत है एक बहुत ही मज़ेदार ट्यूटोरियल में। आज हम ये देखेंगे कि टेक्स्ट से एक पोर्ट्रेट कैसे बनाया जाए। मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट आया था कि ये ट्यूटोरियल बना के दिखाए कि ये कैसे होता है, तो मैं फाइनली ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने टेक्स्ट से पोर्ट्रेट बनाया है। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें वो इमेज लेंगे जिसे आपको पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करना है। तो मेरा इमेज ये था। इसके बाद मैंने सेलेक्ट में जाके कलर रेंज, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे शेडो। शेडो सेलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एक सिलेक्शन बन गया है। अब इसे हम एक नए लेयर में ले जाएंगे, वो तो आपको पता ही होगा। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो आप देखिए एक नया लेयर में ये आ गया है। इसके बाद हम फिर एक ये मेन लेयर में जाएंगे, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट कलर रेंज। इस बार मैं लूँगा मिड टोन ले ले ओके। और इसको भी मैं एक नए लेयर में भेज दूँगा जो कंट्रोल जे प्रेस करने से होगा। अब मैं इसे मेन लेयर को ऑफ कर दूंगा, अब उसका जरूरत नहीं हमें। ये रहा हमारा मिड टोन, ये रहा हमारा शेडो। मिड टोन में जाके हम एडिट में जाएंगे, फील में जाके हम इसे कर देंगे 50% ग्रे। और जब जो हमारा शेडो था उसको लेके हम जाएंगे फील, और इसे कर देंगे हम ब्लैक। अब हम दोनों लेयर को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने का तरीका बहुत सिंपल है, कंट्रोल ई प्रेस करने से वो अपना नीचे वाले लेयर से मर्ज हो जाता है। इसके बाद हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। अभी हम एक नया ब्रश बनाएंगे जो होगा टेक्स्ट ब्रश। ये हमने एक नया कैनवास ले लिया। इसमें हम आपके पास कोई भी टेक्स्ट है, जैसे हमने विकीपीडिया से इसी एक्टर के बारे में कॉपी किया था, तो मैं इसे ही ले लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी प्रेस करके। उसके बाद हम यहाँ पे जो टेक्स्ट टूल है उसे लेके यहाँ से ड्रैग करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, आप इसे ड्रैग करेंगे नहीं करेंगे तो आपका टेक्स्ट ठीक से नहीं आएगा, बॉक्स जैसा चाहिए हमें वैसा नहीं आएगा। ये करने के बाद हम कंट्रोल वी प्रेस करते हैं तो हमारा टेक्स्ट पूरा आ गया है। हमें दिख क्यों नहीं रहा है पता ही होगा आपको, क्योंकि ये पूरा वाइट है। अब मैं इसे ब्लैक कर दूंगा तो देखिए हमारा टेक्स्ट यहाँ पर रेडी है। मैंने इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज कर रखा हुआ है, ये फॉन्ट काफ़ी अच्छा दिखता है। तो आप कुछ थोड़ा कर्सिव टाइप का फॉन्ट यूज़ करेंगे तो थोड़ा सुंदर दिखेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड लेयर है इसमें शट ऑफ कर दूंगा, और अब सिर्फ हमारा जो टेक्स्ट है वो दिख रहा है। इसके बाद हम जाएंगे एडिट में, यहाँ डिफाइन ब्रश प्रीसेट में क्लिक करूँगा। ये करने के बाद एक पैलेट खुल जाएगा, ब्रश नेम। अभी हम एक ब्रश बना रहे हैं तो उस ब्रश का नेम क्या होगा वो पूछ रहा है हमसे, तो इसका हम नाम देंगे टेक्स्ट वीट नाम का। हम इस ब्रश को सेव कर रहे हैं, ओके प्रेस किया। इसके बाद इसे ऑफ कर देंगे आप तो देखेंगे आपका यहाँ पे ब्रश आ गया है। ब्रश टूल ले ले पहले, तभी आपको पता चलेगा ब्रश है कि नहीं। तो एकदम नीचे जाएंगे तो आप देखें यहाँ हमारा ब्रश है कुछ इस तरह का, ओपेसिटी कम किया है तो हमारा ये ब्रश बन गया है। अब इसे हम वहाँ पे यूज़ करेंगे, इसे मैं अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसमें बंद कर दूंगा। अब मैंने इसे बंद कर दिया। अब हम एक नया ले लेंगे जिसका रीनेम कर देते हैं टेक्स्ट। इसमें हम वो ब्रश जो मैंने बनाया है अब उसे मैं यूज़ करूँगा। देखो जैसे ये हमारा ब्रश टूल है, और इसमें ब्लैक कर लेता हूँ। अब हम इसको टेक्स्ट से कवर करेंगे, तो आप कोशिश करें कि पूरा कवर करें और अच्छा से कवर करें। ये मैंने पहला क्लिक यहाँ पे किया, दूसरा क्लिक मैंने यहाँ करता हूँ। इसका कोई रूल नहीं है, आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करें, मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये हमारा टेक्स्ट, मैंने पूरा यहाँ पे इसे भर दिया टेक्स्ट से। अब हम इस लेयर को ऑफ करेंगे, और इस जो लेयर में कंट्रोल ए और कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि ये पूरा कॉपी हो जाएगा। आप एडिट में जाके इसे कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कर लिया मैंने, अब मैं इस लेयर को ऑफ करूँगा। ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा करना है इसमें। अब इसमें यहाँ सेट करके यहाँ मास्क डालूंगा, इस एरिया में क्लिक करूँगा तो इसमें ऑटोमेटिकली मास्क आ जाएगा। तो देखें यहाँ मास्क आ गया। अब ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करें तो हमारा मास्क अलग से खुल गया है। अब यहाँ पे हम वो इमेज पेस्ट करेंगे। इमेज पेस्ट करने के बाद आप देखें सिलेक्शन बना हुआ, तो कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो डी सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल आई, जिससे ये इन्वर्स हो जाएगा। कंट्रोल आई प्रेस करने से आप देखें इन्वर्स हो गया। अब आप जाएंगे टेक्स्ट में तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह का जैसे इमेज था उस तरह का बन गया है। अब हम एक नया लेयर लेंगे जो इसके पीछे रहेगा, जिसे मैं रीनेम कर दूंगा। अगर नाम पे क्लिक करेंगे
डबल क्लिक, तो आपको रीनेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ बीजे लिख देता हूँ और इसे मैं वाइट कर दूंगा। इसे मैंने वाइट कर दिया। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। जो ये लेयर था इसको आप सेलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाए और ग्रेडियंट ओवरले यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे हम कोई भी जिसे पूरा पूरा टेक्स्ट कलरफुल हो जाएगा और थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये ठीक ठाक है, तो मैं इसे यहाँ रहने देता हूँ। इसके बाद ये पार्ट है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके ब्रश टूल लेंगे और एक सॉफ्ट ब्रश लेंगे। अभी हमको इसका फेस का डिटेलिंग पेंट करना है जो गायब हो गया है, जैसे आइज़ बिल्कुल विजिबल नहीं है। तो मैं आइज़ को वापस ला सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके ब्लैक कलर का ब्रश लूँ और यहाँ पर पेंट करूँ। ओपेसिटी तो कम कर दे, ज़्यादा ओपेसिटी से थोड़ा ख़राब दिखेगा। ओपेसिटी कम करें, हार्डनेस को एकदम कम रखें और यहाँ पे आप पेंट करेंगे तो आप देखेंगे उसका आइज़ वापस आ जाएगा कुछ इस तरह से। उनका लिस्ट पे भी कलर करें तो लिस्ट भी वापस आ जाएगा और ऐसे करके धीरे करके अच्छा दिखने लगेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप ब्रश को पूरा बड़ा साइज करके, बहुत बड़ा साइज करके, और ओपेसिटी को कुछ 5-6 के आसपास रख के एक क्लिक करेंगे, सिर्फ एक क्लिक, तो आप में इस इमेज में और डेप्थ आएगा। तो मैं दिखाता हूँ कैसे। मैंने एक क्लिक किया तो आप देखें, और क्लिक कर सकता हूँ, इससे आपका इमेज में डेप्थ आने लगेगा। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपका इमेज में वो डेप्थ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यही था ट्यूटोरियल आज का, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।